शेर की खाल में कुत्ता। एक बार की बात है, ब्राउनी नाम का एक कुत्ता रहता था जो बहुत ही आलसी था। उसे अपने लिए भोजन ढूंढना भी मुश्किल लगता था। वो दूसरे कुत्तों का भोजन चुरा कर खा लेता था। उसके सारे साथी उसे बहुत परेशान थे। एक दिन एक कुत्ता ब्राउनी से कहता है, अरे ओ ब्राउनी के बच्चे, रोज रोज हमारा भोजन चुरा कर खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने लिए खुद भोजन क्यों नहीं ढूंढता? तू क्या अपने आप को जंगल का राजा शेर समझ रहा है? जो बैठे बिठाए भोजन मिल जाएगा, आलसी कुत्ता कहेगा। यूं वो कुत्ता ब्राउनी को डांट कर वहाँ से चला जाता है। तब ब्राउनी अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये कुत्ते साले मुझे डांट कर बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे है। इन कुत्तों को जिंदगी का मजा लेना बिल्कुल भी नहीं आता। आखिरकार कुत्ते कुत्ते ही होते है। वैसे एक बात इसकी मुझे अच्छी लगी, काश मैं भी जंगल का राजा शेर होता तो सच में बड़ा मजा आता। यूं सोचकर वो जंगल की ओर निकलता है। चलते चलते ब्राउनी को शेर की खाल नजर आती है। वो उसे देखकर डर जाता है और कहता है, शेर महाराज की जय हो। महाराज गलती हो गई, माफ कीजिए। वो मैं रास्ता भटक कर आ गया, अब मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ब्राउनी बहुत डरा हुआ था। बहुत देर तक उस खाल से कोई भी हलचल ना होने पर ब्राउनी उसके करीब जाता है। अरे ये तो सिर्फ शेर की खाल है, लगता है भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अब मैं इस खाल को पहनकर जंगल का राजा बन जाऊंगा। बैठे बिठाए सारे जानवर मेरे लिए भोजन लाकर देंगे और मेरी सेवा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर ब्राउनी शेर की खाल पहन लेता है और जंगल में आगे बढ़ता है कि तभी उसे कुछ जानवर घास खाते हुए नजर आते हैं। तब नकली शेर अपने मन में सोचता है, लगता है इन लोगों ने मुझे नहीं देखा, मैं खुद उनके सामने जाता हूँ, इनके डरे हुए चेहरे देखकर बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर वो जानवरों के सामने जाता है। सारे जानवर नकली शेर को देखकर डर के मारे भागने लगता है। ये देख शेर हंसने लगता है। अरे देखो तो सही, मुझे देखकर डर के मारे कैसे भाग रहे हैं? अरे सब रुको भाई रुको, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अरे हमारे जंगल में आज तक एक भी शेर नहीं है, तुम कहां से आ गए? क्या तुम हमारा शिकार करोगे? नहीं, मैंने शपथ ली कि मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। मैं यहां तुम लोगों की मदद करने आया हूं। पास के जंगल में एक खूंखार बब्बर शेर तुम्हारे जंगल पर आक्रमण करने की सोच रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गया। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी। मेरे रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस जंगल की ओर आंख उठाकर भी देखे। सारे जानवर नकली शेर की बातों में आ जाते हैं, उसे जंगल का राजा बना देते हैं और उसकी सेवा करने लगते है। नकली शेर के तो मजे चल रहे थे। वो बेवजह जानवरों को अपने पास बुलाता और उनसे अपने लिए जय जयकार करने को कहता। जंगल के सारे जानवर नकली शेर से तंग आ गए थे। एक दिन लोमड़ी हाथी से कहती है, हाथी बहन, जब से ये शेर जंगल में आया है, इसकी बेवकूफ हरकतों से तो मैं तंग आ गई हूँ। अरे मुझे तो लगता है ये अपना दिमाग पास के जंगल में ही भूल आया है। यूं वो बातें कर रहे थे कि बंदर वहाँ आता है। सच कहा हाथी बहन तुमने, मुझे तो इसकी हरकतें शेर की कम और कुत्ते की ज्यादा लगती है। लगता है भगवान ने जल्दबाजी में कुत्ते को शेर बना दिया। यूं वो हंस रहे थे कि तभी वहाँ शेर आता है। तीनों शेर को देखकर ठंडी सांस लेते हैं। तब लोमड़ी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, आ गया ये बेवकूफ, अब इसकी झूठी जय जयकार करनी पड़ेगी। लोमड़ी यूं सोच रही थी कि शेर कहता है, अरे तुम लोगों की ये मजाल, दिखाई नहीं देता मैं सामने खड़ा हूँ, क्या सोच रहे हो तुम तीनों, चलो जय जयकार करो मेरी। महाराज, वो लोमड़ी अभी अभी आप ही की ही तारीफ कर रही थी कि हम कितने खुश नसीब है जो हमें आप जैसा राजा मिला। हाँ महाराज, ये हमारे पिछले जन्म का पुण्य होगा जो हमें आप मिले। ब्राउनी अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। वो भूल जाता है कि वो शेर की खाल में है और जोर जोर से भौंकने लगता है। ये सुन बाकी के जानवर भी वहाँ इकट्ठा होते हैं। कुत्ते की आवाज सुन सारे जानवर जान जाते हैं कि वो शेर नहीं कुत्ता है। सब उसे गुस्से से देख रहे थे
कि तभी ब्राउनी को ख्याल आता है कि वो शेर की खाल में है। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? अरे वो कुत्ते, चल छोड़ ये शेर की खाल और भाग यहाँ से, नहीं तो सारे जानवर मिलकर तेरी बोटी बोटी खींच खाएंगे। ये कहकर ब्राउनी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। नीति, झूठ जितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। सुअर और उसके सुर। एक बार जंगल में एक सुअर अपनी ही धुन में मगन बेसुरी आवाज निकालकर घूम रहा था। बंदर, हिरन और हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहीं सुअर की आवाज सुनकर हाथी बोलता है, ए भगवान, ये सुअर फिर से शुरू हो गई, चैन से आराम भी नहीं करने देती कमबख्त। ओह नो, उसकी आवाज सुनकर तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, बूढ़ी लगने लगूंगी। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अरे ओ ब्यूटी क्वीन, थोड़ी शांत रह, सुअर इधर ही आ रही है, चुप। कि तभी सुअर उन तीनों के पास आती है। अरे दोस्तों, कैसे हो, क्या बातें कर रहे हो? हाँ, वो तुम गुनगुनाती हुई आ रही थी ना, तो हमने तुम्हारी आवाज पहचान ली। गोरी तुम्हारी आवाज की तारीफ कर रही थी। क्यों गोरी, सही कहा ना? जंगल के सारे जानवर हिरन को गोरी कहकर बुलाते थे। गोरी हाथी की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, हाँ हाँ, यू आर राइट। अरे गोरी, मुझे नहीं पता था मेरी आवाज तुम्हें इतनी पसंद है। वैसे रात को मैंने एक नई धुन बनाई है, सुनना चाहोगी? सुअर के मुंह से ये बात सुनकर तीनों घबरा जाते। तभी बंदर कहता है, अरे तेरी तो, मैं तो भूल ही गया, वो शेर महाराज ने मुझे फल लाने के लिए कहा था। अगर मैं फल लेकर नहीं गया तो वो मुझे मार डालेंगे। सॉरी दोस्त, मैं फिर कभी सुन लूंगा। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ये कहकर बंदर वहां से निकलता है। तभी हाथी कहता है, अरे बंदर रुको, वो मेरे घर में कुछ गन्ने हैं जो महाराज को देने हैं, तुम जा रहे हो तो साथ में वो भी लेते जाओ। देखो सुअर, मैं फिर कभी तुम्हारी धुन सुन लूंगा, मुझे बंदर को गन्ने देने जाना है। हाथी भी वहां से निकल जाती है। हिरण ने अपने मन में सोचा, इन कमबख्तों ने मुझे फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? जल्दी कुछ सोच कोरी, नहीं तो ये सुअर शुरू हो जाएगी। ये सोचकर हिरन एकदम से पेट दर्द का नाटक करती है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे दोस्त, क्या हुआ? चलो हम उल्लू वैद्य के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं घर जाकर आराम करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुमसे कल मिलती हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। यूं हिरन वहां से चली जाती है। सुअर अपने आप में, अरे अब मैं अपनी धुन किसको सुनाऊं? यूं सोचते हुए सुअर आगे बढ़ रही थी कि उसकी नजर एक विशाल अंडे पर पड़ती है। अरे इतना बड़ा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये किसका होगा? यूं सुअर अंडे के करीब जाकर देखने लगती है। वो अंडे के गोल गोल घूम रही थी और देख रही थी कि अचानक वहां एक भूखा बाघ आता है। बाघ अंडे और सुअर को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह सुअर, और साथ ही साथ एक विशाल अंडा, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। वैसे सुअर भी बहुत हट्टी कट्टी लग रही है, इसे खाने के बाद तो मुझे 2-3 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। ये सोचकर बाघ सुअर के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे भोजन को चुरा रही हो। सुअर बाघ की बातें सुनकर डर जाती है। अरे बाघ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो बस इधर से गुजर रही थी, इस विशाल अंडे को देख कर रुक गई, और कुछ नहीं, कोई चोरी नहीं कर रही थी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। तुमने मेरा भोजन चुराने की कोशिश की, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये कहकर बाघ अंडे के करीब जाता है और उसके गोल गोल घूमने लगता है। तभी अचानक एक बड़ी चील उड़ती हुई आती है और अपनी नुकीली चोंच से बाघ पर हमला करती है। हाय, मैं मर गया, आई अम्मा, दर्द हो रहा है, रुक रुक, अरे ओ चील, तू क्यों मुझ पर हमला कर रही है? तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे अंडे को चुराने की? अगर फिर कभी मेरे अंडे की ओर देखा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी आंखें नोच लूंगी। बाघ घायल हो चुका था। ये देखकर सुअर खुश हो जाती है और चील का धन्यवाद करती है। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सही वक्त पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो ये जंगल एक अच्छी गायिका को खो देता। क्या तुम गायिका हो? हाँ, वो कल रात मैंने एक नई धुन बनाई है, क्या तुम सुनना चाहोगी? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनाओ।
सुअर गाना शुरू करती है। सुअर की आवाज सुनकर घायल शेर बेहोश हो जाता है और चील का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। ये देख चील डर के मारे अपना अंडा लेकर वहां से उड़ जाती है।